साथियों, हम सबने लखनऊ के विकास का जो सपना भी नहीं देखा था उसको पूरा करने का काम हमारे अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षामंत्री जी कर रहे हैं। लखनऊ को जाम की समस्या, हम लोग अपने घरों में समय से नहीं पहुंच पाते थे, बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या थी। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जो फ्लाईओवर होते हैं हमारे लखनऊ को भी मिलेंगे, हमने मांगा नहीं था। लेकिन आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा, आधा दर्जन से अधिक फ्लाईओवर कम समय में लखनऊ को प्रदान किए, उसके लिए मैं लखनऊ और केवल फ्लाईओवर इतना नहीं किए, केवल फ्लाईओवर इतना नहीं किए, जो सही पता आप देखते हैं, अभी कभी मुसीबत आती है कि हमें लखनऊ से कानपुर रोड की तरफ जाना है या कृष्णा नगर कानपुर रोड की तरफ से फैजाबाद रोड अयोध्या की तरफ जाना है, तो केवल सही पथ याद आता है। हम सब अपने को सुरक्षित जल्दी पहुंचाने के लिए सही पथ का उपयोग करते हैं, वो भी माननीय रक्षा मंत्री जी की देन है, जो सही पथ आप लखनऊ की लाइफ लाइन बना हुआ है। लखनऊ को आगामी 20-25 साल के लिए तैयार करते हुए लखनऊ के आसपास 105 किलोमीटर की लाइफ लाइन बनाने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है, शीघ्र ही आपके बीच में लोकार्पित होगा, लगभग सड़क कंप्लीट है, कुछ हिस्सा रह गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो लखनऊ की जीवन रेखा होगी। लखनऊ की जीवन रेखा केवल सड़क ही नहीं है, उसके आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं, जो लखनऊ के निवासी हैं, उनकी जमीन के दाम आज चारगुने हो चुके हैं जब से लखनऊ के आसपास वो एक्सप्रेस वे बना है। मैं इसके लिए लखनऊ के पूरे निवासियों की तरफ से, आम जनता की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम लखनऊ को प्रदूषण से बचाएंगे, गोमती में जो नाले गिरते हैं उनसे माँ गोमती को हम सुरक्षित करेंगे। एसटीपी प्लांट हम लोगों ने मांगा नहीं था, 10-90 के चौराहे पर बहुत बड़ा एसटीपी प्लांट बन रहा है जिसे लखनऊ को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, गंदे नालों से मुक्ति मिलेगी। ढेर सारे ऐसे काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने किए हैं, ये तो जो आज लोकार्पण हो रहा है ये उसकी कड़ी है, ये तो अभी शुरुआत है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मन में जो योजनाएं हैं आपने सोचा नहीं होगा, मुझे लगता है कि लखनऊ वर्ल्ड क्लास का सिटी, जैसा कि कनाडा के राजदूत ने आकर के लखनऊ की सर्जरी में कहा, वो सही साबित होगा, लखनऊ एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी तरफ से लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, और पूरा का पूरा समय अपने नेता माननीय रक्षा मंत्री जी को देता हूँ। लेकिन इस समय आप सब कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान, हमारे जो सामने बैठे कार्यकर्ता है वो लखनऊ के लिए एक एक मिनट अपने। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।